सत्य खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। अरे चैनल पर आए गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और यह घंटी भी बजा दियो। चौहाना के गांव बलियाला की रहने वाली 19 वर्षीय गर्भवती महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब चौहाना में 6 कोरोना के एक्टिव केस हो गए हैं, जिनको अग्रोहा रेफर किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीम से अधिकारियों ने मौके पर जाकर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार उपमंडल के गांव की रहने वाली 19 वर्षीय गर्भवती महिला पति देवर देवरानी, बहन, मां और भाई समेत 28 मई को दिल्ली से आए थे। विभाग के अनुसार सभी 10 मार्च को दिल्ली किसी कार्यक्रम में गए थे। चौहान आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी के सैंपल लेने के बाद उन सभी को गाँव के राजकीय स्कूल में क्वारंटाइन कर दिया था। रविवार को महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर आई और महिला को रेफर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इनको जो सैंपल लिए गए थे उस सैंपल के अंदर एक महिला जो कि बलियाला की रहने वाली है उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 28 तारीख को वो लोग दिल्ली से आए थे, 28 को ही हमने सैंपलिंग लेके उनको बलियाला में घर पर क्वारंटाइन कर दिया था और इस बारे में जाखल के स्वास्थ्य विभाग को हमने सारी सूचना दे दी। बहरहाल प्रशासन द्वारा इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और यहां आने जाने वालों पर रोक लगा दी है। सत्य खबर के लिए टोहाना से सुशील सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।